गत 17 जनवरी से मुंबई में योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन ही महाराष्ट्र प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी हिस्सा लिया। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज को शॉल प्रदान कर अभिनंदन किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी जी महाराज का धन्यवाद किया एवं योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के प्रति उनके कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ की भूमि पर भी एक फूड एवं हर्बल पार्क निर्माण करने का आग्रह किया। हम सभी के पूजनीय और जिन्होंने पूरे विश्व में योग को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया, ऐसे आदरणीय बाबा रामदेव जी और सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, हम सभी लोग आज इस महाराष्ट्र की भूमि में हमारे आदरणीय और पूजनीय बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस भूमि में फिर एक बार अपने योग के कृपा प्रसाद से हम सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस प्रकार की क्रांति योग के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने लाई है और जिस प्रकार से केवल देश ही नहीं तो समूचे दुनिया को जीतने का काम बाबा रामदेव जी ने किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कार्य तलवार से नहीं हो सकता वो प्यार से हो सकता है, और उसी प्रकार का ये कार्य योग के माध्यम से इतना उसका प्रचार और प्रसार आज सारी दुनिया हमारे योग का लोहा मानती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल 2 महीने में 200 से ज़्यादा देशों ने योग को समर्थन दिया और पूरे विश्व ने योग दिवस मनाया। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार से ये जो हमारी पारंपरिक पद्धति है जिसमें केवल शरीर ही नहीं तो मन के साथ, चित्त के साथ सारी चीज़ों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारी साधना जो 50 कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमको दी, उसको पुनर्जीवित करने का और एक प्रकार से पुनर्प्रतिष्ठित करने का कार्य बाबा रामदेव जी ने किया है, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनकी कृपा ऐसी हम पर बनी रहे। मैं साथ ही में उनसे निवेदन करता हूं कि आज जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग माध्यमों से देश की सेवा करना शुरू किया है और साथ ही में जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को पौष्टिक अन्न प्राप्त हो इस दृष्टि से अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे भी महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ की भूमि में, वे एक फूड पार्क का निर्माण करें और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की सरकार उसमें पूरे तरीके से आपका साथ देगी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये फूड पार्क तैयार होगा तो ये जो किसान है जो आत्महत्या कर रहा है उस किसान को एक नई रोशनी आपके माध्यम से मिलेगी, और इसलिए उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, फिर एक बार आपका आशीर्वाद यहां पर मांगता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भगवान ने इनको बहुत ऊंचाई दी है और वो ऊंचाई इनको इसलिए मिली कि इनके भीतर विनम्रता बहुत गहरी है और ये पूरा महाराष्ट्र और राष्ट्र जानता है। विद्या ददाति विनयम, बहुत विद्यावान है, बहुत विद्वान है, बहुत पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं। प्राचीन काल में जब हम नेतृत्व करने वाले राजाओं के संदर्भ में सुनते हैं तो कहते हैं राजा बड़ा विद्वान था, बड़ा पराक्रमी था, फिर अगला ही शब्द होता बड़ा विनयशील था, बड़ा दूरदर्शी था, बड़ा पारदर्शी था, बड़ा उदार था। तो जो एक नेतृत्व में दिव्यता होनी चाहिए वैसे दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व इस महाराष्ट्र को सौभाग्य से मिला है। एक बार सबके ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना। योग के साथ
हमारे इस अनुष्ठान में मुख्य एक और अभियान है स्वदेशी का। तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बात कही है कि एक फूड पार्क यहां के किसानों की समृद्धि के लिए और देश के स्वास्थ्य के लिए यहां महाराष्ट्र में होना चाहिए, तो भाई हम तो जीते ही राष्ट्र के लिए हैं और ये तो महाराष्ट्र है। यहां किसानों की आत्महत्या ना हो, बल्कि इस देश का अन्नदाता वो आत्मगौरव के साथ अपने जीवन को जिए, वो भी समृद्ध हो और उसके द्वारा पैदा किए हुए अन्न से ये देश स्वस्थ हो, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी कहेंगे वो हम यहां महाराष्ट्र में करेंगे। मैंने श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी से कल शाम को ही बात कर ली, क्योंकि हमारे शिल्पी तो वही हैं पूरे अनुष्ठान के, और वैसे भी अभी पतंजलि को इतना आगे बढ़ना है कि करीब 200 वर्षों से जो एक थॉट और प्रिंसिपल के रूप में स्वदेशी का अभियान चल रहा था, अब उसको जमीन पर बहुत बड़ा विस्तार मिला है, और जो संकल्प 200 वर्षों से अपना पूर्वजों का था उसको आने वाले 2-3 सालों में हमें पूरा करना और सारे विदेशी ब्रांडों से बड़ा पतंजलि को ब्रांड बनाना, ये देश के लोगों ने सोच लिया, तो ये काम होगा। और उसमें जो भी धर्म में फूड पार्क बनाने की बात की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आप हमको बस जमीन दे दीजिए, जितनी बड़ी आप जमीन दोगे उतना ही बड़ा हरिद्वार से भी बड़ा फूड पार्क हम यहाँ महाराष्ट्र में बना देंगे। प्रातःकालीन योग सत्र के पश्चात योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज पहुँचे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में। स्वामी जी महाराज का आगमन होते ही महिलाओं ने चरणों में पुष्प अर्पित कर स्वागत किया। मंच पर स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारियों ने स्वामी जी महाराज को शॉल एवं माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। क्लब के सदस्यों ने स्वामी जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले स्वामी जी महाराज एवं क्लब के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इतिहास में एक स्वर्णिम पुरुष जुड़ रहा है। आज हमारे क्लब के प्रांगण में बाबा रामदेव जी का आगमन हुआ है और हम सब उनके सानिध्य में अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं आप सभी उपस्थित महानुभावों की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका हृदय के अंतस्थल से स्वागत करता हूं। पूज्य बाबा 21वीं शताब्दी के योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने वाले ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में योग को प्रतिष्ठित करके भारत को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। वे कलयुग के पतंजलि हैं और सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति एवं चिंतन के आधार पर परिवर्तन लाने को समस्त रखने वाली महाक्रांति के जन्मदाता हैं। स्वामी जी देश के गौरव हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में उनका अभिवंदन करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं आपको पूर्ण प्रणाम करता हूँ और स्वयं धन्यता का अनुभव करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, थोड़े ही हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादातर संख्या बड़ों की है, इसलिए मैं बच्चों से कहूंगा कि वो बातों को समझने की कोशिश करें। हम 8-9 साल के थे तब 15-20 साल के लोगों के साथ बैठा करते थे। जो बड़ों के साथ बैठता है, बड़ों की बातों को समझने की कोशिश करता है, एक दिन वो भी बड़ा बन जाता है। तो मैं कुछ अब बड़ी बातें कहना चाहता हूं। हो सकता है बच्चों को पूरी बात समझ में ना आए, जो छोटे बच्चे हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं वो तो सब समझेंगे। तो छोटे बच्चे कोशिश करेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैं योग, अध्यात्म, जीवन और जीवन के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष के रूप में बातें कहना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं जीवन क्या है, व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज पास्ट लाइफ, व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज फ्यूचर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ,
जीवन शब्द तो बहुत बार सुना है आपने, लेकिन ये जीवन है क्या? तो ये जीवन अनादि है और ये जीवन अनंत है। जिस जीवन को आज हम जी रहे हैं, ये इस जीवन की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस सृष्टि में हम आज रह रहे हैं, ये करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। ऐसे 200 करोड़ वर्ष लगभग और रहने वाली है। सृष्टि की आयु अब तो विज्ञान के द्वारा यह सत्य पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि सृष्टि की आयु करीब 400 करोड़ वर्ष होती है, 4 अरब। मनुष्य के शरीर की आयु अधिकतम 400 वर्ष होती है। अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, आहार अर्थात ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सभी चीजों में पोल्यूशन आ गया, एडल्टेशन आ गया। स्वाभाविक अवस्था में चीजें नहीं रही, इसलिए मनुष्य की आयु का क्षरण हो रहा है। आज भी प्रयत्न करके व्यक्ति 150 साल तक तो जी सकता है। करीब 100 साल पहले तक लोग 200 साल तक भी जिया करते थे। ये पिछले 200 वर्षों में प्रकृति का इतना क्षरण हुआ है वैश्विक लेवल पर, जितना पिछले 200 करोड़ वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए चारों तरफ प्रकृति में विकृति आई और उसका असर मनुष्य और मनुष्य इतर जितने भी जीव हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा आया है। जो सांस लेते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है। पेड़ पौधे तो 2-2 सौ 5-5 साल 5-5 सौ 1000-1000 साल पुराने अभी भी मिल जाते हैं। मनुष्य और मनुष्यतर जो चलते फिरते जीव है ना, पेड़ पौधों में भी जीव होता है, एक स्थावर है, एक जंगम है, चलते फिरते जो जीव है उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ा। खैर, मैं कह रहा था सृष्टि की आयु कितनी होती है? 400 करोड़। ये बच्चे तो बहुत होशियार हैं यहां के। सृष्टि की आयु 400 करोड़ वर्ष, मनुष्य की आयु कितनी? 400 वर्ष। यदि आप अपने ब्रेन से ठीक ठाक काम लो तो इसमें डिमेंशिया नहीं होगा, ब्रेन सिकुड़ने लगता है, इसको डिमेंशिया कहते हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, अल्जाइमर बोलते हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो पार्किंसंस डेवलप हो जाते हैं। आजकल तो SLEMS, ऑटोमेन डिजीज और बहुत प्रकार की ऐसी बीमारियां होती हैं। अभी कल एक बहन मेरे पास आई, बहुत खूबसूरत बहन है, शरीर इतना बेकार हो गया, उसका पति उसको लेकर के आया, मुश्किल से वो 30 साल की उम्र होगी, 30-32 साल की, हाथ उठता नहीं है, हाथ के सारे मसल सूख गए, बोल नहीं सकती, वोकल कोड काम नहीं कर रहा है, आधा पैरालिसिस हो गया, सारे मसल, एक तो होता मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स के भी बहुत तरह के रोग। ये तो एक ऐसी कितने प्रकार की बीमारी। शरीर को ठीक रखें तो आज भी हम 150 से 200 साल जी सकते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा आपको। आपका जो अन्न है उसमें यूरिया है, DAP है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और इसमें इतने भयंकर केमिकल्स हैं, वो सारे हमारी बॉडी के जीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक एक जीन की रचना बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी रहस्यपूर्ण, रोमांचक, बात ही वैज्ञानिक होती है। उसमें जीन्स हैं, क्रोमोजोम्स हैं, DNA है, माने एक सेल इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, इतना रहस्यपूर्ण है, और उसकी रचना उतनी ही है। 1 cell = 1 universe, एक सेल एक यूनिवर्स के बराबर है। एक सेल से तो बॉडी बनती है तो सभी को पता है, एक स्पर्म, एक ओवम, स्पर्म ओवम में चला जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे सेल बनते हैं, उनसे 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उससे पूरा बॉडी फॉर्म होता है। माने एक सेल से एक बॉडी बनी और उस बॉडी में पूरा यूनिवर्स है।
उस सेल को कैसे सुरक्षित रखना। जब हम तंबाकू खाते हैं, जब हम बीड़ी पीते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं, या हमारे पड़ोस में कोई दूसरा सिगरेट पीता है, उसका धुआं हमारे अंदर जाता है तो हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करता है। एयर के माध्यम से जो पोल्यूशन अंदर जाता है, वाटर के माध्यम से जो पोल्यूटेड चीजें अंदर जाती है, खराब चीजें अंदर जाती हैं, केमिकल्स जाते हैं, खाने पीने में शाक सब्जियां, अनाज, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क एंड ऑयल। अब आप लोग 99% लोग सब कौन सा ऑयल खाते हो? रिफाइंड ऑयल खाते हो ना? सब पढ़े लिखे होकर के बेवकूफी का काम क्यों करते हो? कभी जाकर के इंटरनेट के ऊपर खोज की कि रिफाइंड ऑयल क्या होता है? तुमको नहीं आता है खोजना तो अपने बच्चों से खोज के दिखवा लो। जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, ये न्यूरोटॉक्सिन हैक्सिन से सॉल्वेंट करके तैयार किए जाते, सॉल्वेंट प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। ये जो सॉल्वेंट प्रोसेस से हैक्सिन, ऐसे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लेकिन जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं सब कार्सोजेनिक हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइज रिसर्च हो चुका है। मैं पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गया, वहां उनके अलग अलग स्टेट्स में करीब आधे ऑस्ट्रेलिया में अबोर्जिनीज बोलते हैं उनको, वहां की मूल निवासियों को। अबोर्जिनीज ने क्या किया, डीजल पेट्रोल को ऐसे अपने, जैसे यहां पर कुछ लोग वैसलीन खाते हैं, कुछ लोग आइडेक्स खाते हैं, कुछ लोग व्हाइटनर खाते हैं, गंदी गंदी चीजें खाते हैं ना नशे के लिए। अबोर्जिनीज ने पेट्रोल और डीजल ऐसे लगा लिया और उसमें से वो गंध आती रहती, उड़ता रहता, वो उनके अंदर जाता रहता है। किसी को कैंसर, किसी को टीबी, और एवरेज उनकी आयु है 40 to 50 में सब मर जाते हैं। इसलिए आधे ऑस्ट्रेलिया में डीजल और पेट्रोल की पहले तो गंध निकाली। अपने इंडिया में तो अभी इस बारे में कुछ बोलेगा तो बोले ऐसे भी करते हैं कोई? आप लोग जितना भी बालों में तेल लगाते हो, ज्यादातर लेडीज ने अभी भी लगाया हुआ है, बाल बाउंसी बाउंसी दिखे हैं, इधर से झटका मारो तो इधर चले जाएं, इधर से झटका मारो तो, ये लटका झटकी वालियों सुन लो, ये भाई भी करते हैं बहुत से। ये बाल तुम्हारे इधर से उधर बाउंसी तो दिख रहे हैं, लेकिन सुन लो कान खोल के, तुम्हारे घरों में जितने भी, एक तो ये बोले तेल तो लगे लेकिन चिकनाई नहीं हो, अरे तेल में चिकनाई और दूध में मलाई ना हो तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप जिनको ऑयल समझ के, या जो भी जो है हेयर्स के कॉस्मेटिक्स हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे देखने में ऐसे से लगता है बाल बड़े खिले खिले से लग रहे हैं। इसमें सभी में होता है, उसको बोलने में कितना बढ़िया नाम धरते हैं, ये मार्केटिंग वाले बड़े शातिर लोग होते हैं, इनने नाम दे दिया उसका मिनरल ऑयल। क्या नाम दे दिया? मिनरल ऑयल। उसको LLP भी बोलते हैं, लिक्विड पैराफिन बोलते हैं, लाइट पैराफिन बोलते हैं। ये चूहों के ऊपर लगाई गई, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिसर्च किया। आप अपने बच्चों से दिखवा लेना, अब ये तो अभी तो आजकल घर में सारी दुनिया आ जाती है नेट के ऊपर। चूहों के ऊपर LLP पैराफिन ये मिनरल ऑयल लगाया गया, सभी चूहों को कैंसर हो गया। दिस इज 100% प्रूफ ट्रूथ, ये प्रामाणिक सत्य है, ये मैं कोई डराने वाली बात नहीं कह रहा हूं। और उनके स्किन के नीचे ट्यूमर्स डेवलप हो गए, तो बहुतों को ब्रेन कैंसर इससे भी हो रहा है। और जो लगा रही हैं वो ध्यान से सुन लो, तुम्हें भी थोड़े दिनों में सिर में कैंसर होने वाला है, नहीं तो आज से लगाना बंद कर दो। पैराफिन वाला तेल कैंसर करता है किसी को पता ही नहीं है, कैंसर ऐसा। जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल गैस एंड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, हैक्सिन, दीज आर ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कोई पेट्रोल है, कोई पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे कैंसरस हैं। आप जो तेल खाते हो वो तेल भी हैक्सिन प्रोसेस से निकाला जाता, वो भी कैंसरस है। और हम तो बड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं, हमारे घर में तो खाली वो
रिफाइंड ऑयल आता है, ये सोचते रिफाइंड ऑयल का मतलब अब वो उसमें कोई कोई उसमें खराब चीज नहीं रही, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्रिग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, उसमें ट्रांसफैट सबसे ज्यादा होता है और ये कैंसर। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पीते, उनको भी कैंसर हो रहा है, उनको कैंसर हो रहा है तेल से, उनको कैंसर हो रहा है खाने से ही, उनको कैंसर हो रहा है हवा से ही। समझ में आई बात? तो मैं कह रहा था आदमी लंबा तो जी सकता है, लेकिन लंबा तब जिएगा जब अननेचुरल चीजों से हटेगा। वैसे मैं आपको एक थीम भी बता देता हूं, आगे मैं पूरे देश में एक मुहिम चला रहा हूं। अभी तक ये विदेशी कंपनियां अपना सामान बेचती थी तो हमारी मां बहन बेटियों के कपड़े उतरवा देती थी, बस शरीर पर खाली नाम मात्र कपड़ा रखती थी कि जिससे कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस ना आए, और उससे सामान बेचती थी। पतंजलि का प्रोडक्ट अर्धनग्न माताओं के चित्र दिखा करके नहीं बिकता, बल्कि चरित्र के साथ बिकता है। और हम आगे प्रोडक्ट ये मुहिम चलाने वाले हैं, ये अननेचुरल चीजें। मैं कह रहा हूं आप तो जिंदा रह सकते हो, लेकिन बालों में खराब चीज लगाते हो, तेल में खराब चीज खाते हो। सुनो, आप लंबा तो जी सकते हैं, लेकिन आपको पैराफिन वाली चीज यूज नहीं करनी, आपको खाने में कौन सा तेल नहीं खाना, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, आपको बर्गर पिज्जा जितने भी प्रिजर्वेटिव डाल करके फूड, डब्बा बंद फूड वो नहीं खाना। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में जमा होता है, मैदा के ही मैगी खा रहे थे, मैदा के ही बिस्किट खा रहे थे। ये बोलते हैं बाबा जी की स्ट्रेटेजी पता नहीं क्या है, ये एकदम से चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और सारी विदेशी कंपनियां घबरा रही है। मैं आपको आज बता रहा हूं आज बता रहा हूं, आप 3 से 5 साल में देख लेना, 3 से 5 साल में या तो विदेशी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, थोड़ा बहुत कोई ऐसा लटकते पटकते चलती रहेंगी, या बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाएंगी। अब हमने क्या किया इसमें, हमने बस इतना ही किया, सब लोग मैदा वाला बिस्किट दे रहे थे, हमने आटा वाला बिस्किट दे दिया। मैदा वाले ये लोग मैगी दे रहे थे, हमने आटा वाली जो है पतंजलि आटा नूडल दे दिया। ये लोग केमिकल वाले तेल दे रहे थे, हमने बिना केमिकल वाला 100% आयुर्वेदिक तेल दिया, केश कांति। अब आप सोचिए ये लोग सोचते हैं बाबा का ब्रांड कैसे बनता है। आज पतंजलि केश कांति तेल की, अभी तो मैंने प्रचार शुरू ही नहीं किया है पैराफिन वाला, थोड़ा थोड़ा ही मैंने बोलना शुरू किया अभी तो, अपना मेरे प्रोग्रामों में 10-20 बार बोला होगा मुश्किल से। 5 लाख हेयर ऑयल की डिमांड आज दिल्ली की है, 5 लाख बोटल्स। और थोड़ा सा प्रचार हो गया तो मुझे लगता है करीब 20-25 लाख बोतल की डिमांड होगी आने वाले 4-5 सालों में, 20-25 लाख पर डे। अब तुम लगाते हो चेहरे पर क्या सारे केमिकल। अभी आप लोगों की जानकारी के लिए हम पतंजलि में रोज कम से कम 200-250 टन एलोवेरा अभी ले रहे हैं, और मई जून तक 500 टन एलोवेरा रोज लेंगे, 500 टन। उससे कम से कम 1 लाख किसानों को फायदा होगा। अभी इस समय हम 500 टन आंवला रोज खरीद रहे हैं, कितना, 500 टन। इसके लिए प्लांट भी उतने बड़े बड़े हैं। वहां जब पहली बार आकर के लोग देखते हैं तो ये बोलिए बाबा जी ने बनवाए, बाबा जी को ये नॉलेज कहां से आ गया, हमको तो लोग बेवकूफ समझते थे, बाबा मतलब बेवकूफ तो सुनो, आपको मैं लाइफ की बात बता रहा था, ब्रांड की भी बात बताऊंगा। जीवन को बहुत अच्छे से जीना है तो 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, एक आहार और दूसरा विचार। आहार से हमारी बॉडी फॉर्म होती है, हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है, आहार, फूड, जो भी हम फूड लेते हैं, फूड माने वाटर
एंड ग्रेन्स वेजिटेबल्स ऑल थिंग्स, आहार माने खाना पीना, इससे क्योंकि बॉडी में करीब 70% तो वाटर ही है, तो पानी और खाने से हमारा शरीर बनता है। यदि पानी खराब जाएगा, कोका कोला पेप्सी जाएगा, तो अंदर अच्छा शरीर नहीं बनेगा, केमिकल वाली बॉडी बनेगी, प्योर बॉडी नहीं बनेगी। क्यों बेटा? तो कोका कोला पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? जोर से बोलो नहीं। उधर कौन बैठा है? ये छोटी गुड़िया बहुत जोर से बोली। क्योंकि कोका कोला पेप्सी में, अच्छा बताओ, मैं आपको ये बातें अपने बच्चों को बताया करो। आप लोग बच्चों को डांटते रहते हो, डांटने से बच्चे सुधरने वाले नहीं, आपकी बात सुनने वाले भी नहीं है। मैं एक दिन में 1,00,000 बच्चों को बात मनवा देता हूं, और तुम अपने एक अपने ही पेट से पैदा किए हो अपनी बात नहीं मनवा सकते। क्यों? लॉजिकली बात नहीं करते हो। सुनो, हड्डियों को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से। और मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। खून किससे बनता है? आयरन से। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं इतनी बातें। तो क्या कोका कोला में कैल्शियम है? क्या कोका कोला में प्रोटीन है? क्या कोका कोला के अंदर आयरन है? क्या कोका कोला के अंदर विटामिन ए बी सी डी विटामिन B12 कोई न्यूट्रिशन है? तो फिर क्यों पीना? उसमें अंदर है क्या? उसके अंदर है केमिकल, और उसके लिए उसका नाम रखा हमने ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या रखा? ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो अब बच्चे को समझ में आती है ना, तो हड्डी तो उससे बढ़ेगी नहीं, मसल्स तो मजबूत बनेंगे नहीं, खून तो बढ़ेगा नहीं, न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस तो मिलेंगे नहीं, बॉडी तो उससे हेल्दी होगी नहीं, तो फिर क्यों पीना? वो तो बल्कि अंदर के न्यूट्रिशंस को, माइक्रो न्यूट्रिशंस को, अंदर के जो अपने शरीर के अंदर डिपॉजिट होता है कैल्शियम, उसको भी निकाल देता है। तो मैं कहता हूं हाइट घटानी है तो कोका कोला पेप्सी थम्सअप पियो, और हाइट बढ़ानी है तो क्या पियो? दूध पियो, सादा पानी पियो।